Hello students, welcome to your biology class. As in previous class, we have started the chapter body fluid and circulation, where we discuss about different type of parts and circulation pattern in different animals. Now in today's topic, we discuss only about the human circulatory system. Okay, the human circulatory system has blood vessels and the heart. Human circulation में क्या क्या है? एक तो ब्लड है, दूसरा वेजल्स है जो ब्लड को कैरी करने के ट्यूब्स होते हैं, और तीसरा हार्ट। नाउ द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, यहाँ दो टाइप है। एक ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जिसमें सिर्फ ब्लड मूवमेंट होता है, और दूसरा लिम्फोटिक सिस्टम जिसमें लिम्फ नाम का एक एंटीबॉडी एंटीजन्स लिम्फ हमारा इम्यून सिस्टम लिम्फोटिक सिस्टम से ट्रांसपोर्ट होता है। तो जो पहला है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम यानी कि ब्लड मूवमेंट, उसके उसमें से तीन चीजें, एक तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में हार्ट, यस हार्ट, फिर उसी के पास ब्लड, फिर उसी के पास ब्लड वेसल्स यानी कि ट्यूब्स जिसमें से ब्लड ट्रांसफर होता है। अब ब्लड वेसल्स में ये तीन टाइप, आर्टरीज, वीन्स एंड कैपिलरीज, ये तीनों के बारे में हम जानेंगे अगली स्लाइड। हार्ट तो हार्ट है, डिटेल्स हार्ट के बारे में भी आगे मिलेगा। जब हम बात ब्लड की करते हैं तो ब्लड में एक तो वाटरी पार्ट होता है जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं, और फॉर्म्ड एलिमेंट जो सेल्स होते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट सेल्स होते हैं, ये वाटरी पार्ट जो प्लाज्मा होता है। सेल्स में तीन टाइप के सेल्स हैं, आरबीसी सेल्स, डब्ल्यूबीसी सेल्स एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी का कोई फर्दर टाइप नहीं होता वहाँ पर, प्लेटलेट्स के भी कोई फर्दर टाइप नहीं होते। डब्ल्यूबीसी के टाइप्स होते हैं, एक ग्रैनुलोसाइट्स, दूसरा अग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स के तीन टाइप है, न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स। अग्रैनुलोसाइट्स के दो टाइप है, लेम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। लेम्फोसाइट्स के दो टाइप है, बी लेम्फोसाइट्स एंड टी लेम्फोसाइट्स। ठीक है बच्चों, तो इसके बारे में, ये सिस्टम के बारे में हम जानेंगे आज की इस क्लास में। नेक्स्ट, ब्लड। ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ब्लड में होता क्या, ब्लड में 55% प्लाज्मा होता है, स्ट्रॉ कलर लकड़ी का कलर होता है, स्लाइटली अल्कलाइन होती है, 7.4 इसका पीएच होता है, और ये फ्लूइड नेचर में। यही ब्लड का बड़ा सा हिस्सा 55% तो ब्लड में यही है, 45% में फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं जो बनकर आए हैं ब्लड के अंदर, वो इंक्लूड आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। दिस इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ कंपोजिशन ऑफ द व्हाट, ब्लड। ब्लड का ये एक सबसे बड़ा मेजर कंपोजिशन है, एक प्लाज्मा और दूसरा फॉर्म्ड एलिमेंट। ठीक है बच्चों, देन कंस्टिट्यूशन ऑफ द प्लाज्मा एंड फंक्शन। प्लाज्मा में होता क्या और उनका क्या क्या फंक्शन, देखिए तो 90-92% तो पानी होता है प्लाज्मा के अंदर, वो एक गुड सॉल्वेंट। देन 6-8% प्लाज्मा प्रोटीन, उस प्रोटीन के तीन टाइप है, एक फाइब्रिनोजन, दूसरा ग्लोबुलिन, तीसरा अल्बुमिन। फाइब्रिनोजन का काम होता है ब्लड कोगुलेशन यानी कि ब्लड को क्लॉटिंग कराना। ग्लोबुलिन का काम होता है एक्ट एज एंटीबॉडीज, डिफेंस सिस्टम ऑफ द बॉडी। अल्बुमिन का काम होता है ऑस्मोटिक बैलेंस एंड रेगुलेट ब्लड प्रेशर, इस तरह। ग्लूकोज अमाइनो एसिड्स भी और लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल भी आपको वन ऑफ द कंस्टिट्यूट ऑफ द प्लाज्मा विच फंक्शन एज द एनर्जी प्रोडक्शन एंड ग्रोथ। देन ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, मैग्नीशियम, पोटासियम, क्लोराइड, बायकार्बोनेट, कैल्शियम, ये भी पाया जाता है विच फंक्शन एज अ रेगुलेशन ऑफ ऑस्मोसिस एक्सेट्रा। वहाँ गैसेस भी है प्लाज्मा में, कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन, फॉर द ट्रांसपोर्ट पर्पसेस ये गैसेस भी वहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज सेरम। प्लाज्मा अगर उसके अंदर सेरम नहीं है, सॉरी अगर उसके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है तो उसे सेरम कहते हैं। नाउ द ब्लड, अगेन फॉर्म्ड एलिमेंट, ये जो था
प्लाज्मा, और ये जो है फॉर्म्ड एलिमेंट यानी कि बन के आए हुए ब्लड का कंटेंट दो है, सॉरी तीन है। एक होते हैं रेड ब्लड सेल्स आरबीसी जिसको एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, दूसरा व्हाइट ब्लड सेल्स जिसको व्हाइट डब्ल्यूबीसी या लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं, देन प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट्स भी वन ऑफ द पार्ट ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट्स। नेक्स्ट फीचर्स ऑफ द आरबीसी यानी कि एरिथ्रोसाइट्स किसे कहते हैं, एरिथ्रोसाइट्स जो आरबीसी सेल्स है वो कलर कैसा होता है, रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। नॉर्मल एचबी लेवल इन द ब्लड 12 टू 16 ग्राम्स पर 100 एमएल, 100 एमएल तक 12 टू 16 ग्राम नॉर्मल हीमोग्लोबिन। आरबीसी की टोटल लाइफ स्पाइन जो होती 120 डेज होती है, उसके बाद वो डिस्ट्रॉय होता है। उनकी टोटल काउंट कितने आरबीसी सेल्स होना चाहिए हमारे पास बोले तो 5 to 5.5 मिलीमीटर क्यूब इतने आरबीसी सेल्स होना चाहिए। आरबीसी सेल्स बनते कहाँ हैं, रेड बोन मैरो यानी कि बोन के अंदर एक बोन मैरो होता है, वो आरबीसी बनाने के लिए उसे रेड बोन मैरो। इनका स्ट्रक्चर बाई कॉन्केव शेप के होते हैं, बाई कॉन्केव शेप इनका होता है, नो न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्गी बॉडीज कॉम्प्लेक्स की कोई चीज इनके अंदर नहीं है। फंक्शन एज द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। स्प्लीन एक हमारी बॉडी का छोटा सा ऑर्गन है जो कि आरबीसी उसके अंदर जाकर डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसको ग्रेवियर ऑफ आरबीसी कहते हैं, ठीक है। देन डब्ल्यूबीसी यानी कि लिम्फोसाइट्स कलरलेस होते हैं, 1 से लेकर 15 दिन तक इनकी लाइफ स्पाइन होती है, 6000 से 8000 पर मिलीमीटर क्यूब इनकी टोटल काउंट होनी चाहिए। ये बोन मैरो में बनते हैं, लिम्फ ग्लैंड और स्प्लीन में भी बनते हैं। स्ट्रक्चर जब हम इस स्ट्रक्चर का देखेंगे तो इनके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है और इनमें कई डिफरेंट शेप और साइज है। फंक्शन इनका फंक्शन एज ए पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम में फंक्शन होता है। ये सारी चीजें आपको लिखना है जो आपको दिख रहा है। टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी के जैसे कि दो टाइप है, एक ग्रैनुलोसाइट्स दूसरा ऑफ ग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स जिसके अंदर न्यूट्रोफिल्स है वो 60 to 65% फाइगोसाइटिक, ठीक है, सोल्जर ऑफ द बॉडी, फाइगोसाइटिक इन नेचर में होते हैं यानी कि वो दूसरे बैक्टीरिया वायरस फॉरेन पार्टिकल्स को वो डायरेक्ट, ठीक है। देन इसिनोफिल्स 2 से 3% के होते हैं, ये रेसिस्ट इन्फेक्शन कॉज द एलर्जिक रिएक्शंस, एलर्जी रिएक्शंस में ये रोल करते हैं। ये बेसोफिल्स सीक्रेट हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन एंड हेपराइन कॉज द इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस। मोनोसाइट्स जो होते हैं लार्जेस्ट आरबीसी जो फाइगोसाइटिक इन नेचर में होते हैं। अग्रैनुलोसाइट्स के लिम्फोसाइट स्मॉलेस्ट आर डब्ल्यूबीसी है, लार्जेस्ट न्यूक्लियस होता है जिसके दो टाइप है, एक बी लिम्फोसाइट्स दूसरा टी लिम्फोसाइट्स, 20 से 25% होते हैं और देन रेस्पॉन्स टू द इम्यून सिस्टम और ये एंटीबॉडीज को भी प्रोडक्शन देते हैं, ठीक है। देन प्लेटलेट्स, वन मोर पार्ट ऑफ द ब्लड प्लेटलेट्स विच इज कलरलेस, 7 days लाइफ स्पैन होती है, 1.5 to 3.5 lakhs पर मिली क्यूबिक मीटर में होते हैं, फॉर्म्ड इन द मेगा कैरियोसाइट्स इन द बोन मैरो, बेबी बोन मैरो में ही बनते हैं। स्ट्रक्चर नॉन न्यूक्लिएटेड सेल फ्रैगमेंट्स होते हैं, ठीक है, और फंक्शन ऐसे ब्लड क्लॉटिंग को फंक्शन करने का इनका काम होता है, राइट। देन ओके नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ब्लड कोगुलेशन विल बी कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। ये टॉपिक हमने पिछला में पढ़ने के बाद बस यहाँ तक आप अच्छी तरह से अगर वीडियो देख भी लिए सुन भी लिए तो इट इज इनफ। ओके सो थैंक यू वेरी मच।